टुडे आई विड टॉक ऑन द मैसेज ऑफ शाबलती भिटाई इन अ वाइटी ऑफ लेंसेज भिटाई का जो पैगाम है इट इज द मैसेज ऑफ लवच इज अनवेवरिंग एंड अनकंडीशनल मैं हमेशा समझती हूँ कि जब भिटाई को हम पढ़ते हैं जब पहली मर्तबा कोई भिटाई को पढ़ता है तो उसकी तैयारी की ज़रूरत होती है जैसे ज़मीन uh, की तैयारी की ज़रूरत होती है खेती के लिए भिटाई इज़ वेरी डीप डेंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट तो भिटाई का जो मैसेज है उसमें कुछ डायरेक्ट मैसेज है कुछ इनडायरेक्ट मैसेज है इनडायरेक्ट मैसेज इज़ थ्रू सिम्बॉलिकल लैंग्वेज दैट नीड्स टू बी डिसाइफर्ड अंडरस्टूड उसकी हम हिम्मत करते हैं जरूरत करते हैं कि भिटाई की अपनी अपनी शराह करें टाई के साथ हम सब अपनी ये हुज्जत रखते हैं सो भिटाइज मैसेज इज मैसेज ऑफ लव विच इज अनकंडीशनल विच इज़ अनवेवरिंग भिटाइज मैसेज इज द मैसेज ऑफ स्ट्रगल विच इज स्ट्रगल अगेंस्ट द एडवर्सिटी एंड द स्ट्रगल विद इन एंड भिटाइज मैसेज इज़ द मैसेज ऑफ परसिवियरेंस परसिवियरेंस इन द फेस ऑफ चैलेंज इन The face of doubt, perseverance in the face of obstacles, and then you know Bhagat's message of oneness with divinity, which whole see we see the whole grand tapestry in which we see the unity into diversity, and then Bhagat's concept of Ishq, Ishq that has similarities with Maulana Room's concept of Ishq. बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट था कि शायद 30-40 अशार हैं या अबियात हैं जो कि मौलाना से उनकी शायरी से इंस्पायर्ड हैं लेकिन हम पूरा रिसाला हमें उस इंस्पिरेशन में मिलता है तो आज मैं इस पे बात करूँगी भिटाई को समझाने की क्विकली कोशिश करती हूँ चार पांच मेरे पास आइडियाज़ हैं साथ में मैं अपने मैसेज को आज के मैसेज को जो हमसर पाकिस्तान है कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं जो चैलेंजेस हैं आई वुड लाइक टू टॉक ऑन दोज एज़ वेल कि किस कॉम्प्लेक्सिटीज़ से जो मुल्क द कंट्री इज़ पासिंग थ्रू बिकॉज ऑफ़ द माइंड सेट बिकॉज ऑफ़ द थाट बिकॉज ऑफ़ द आउटलुक द वे वी थिंक अबाउट आर सेल्स उसने हमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान दिया है उस पर भी बात करूँगी क्योंकि इंसान जो है वो अपने लिबास की जो है ना लिबास पर भी सिलवटें बर्दाश्त नहीं करता तो मैं सोच रही थी कि जो शौर की सिलवटें हैं जी डोज नीड टू बी आय आउट थाट में क्या मसला है बच्चे बैठे हुए हैं मैं सोच रही हूँ कि सोच को दुरुस्त कैसे रखा जाए और उसी तरीक़े से उसी तर्ज से आगे इरतक़ा की जाए ये समझने की ज़रूरत है हम इतनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करके जुदोजहद करके एक मकाम पे पहुँचे हैं तो कुछ समझने हमारी समझने और हालात ने और फ़िक्र ने और तजुर्बात ने और सियासत ने हम हमको कुछ सिखाया है सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मुझे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है मैं समझती हूँ कि इस्बात और जो नफ़ी है दुनिया की पूरी तारीख में यह है कि इस्बात और जो नफ़ी है वो साथ साथ चलते रहते हैं इरत पजीर होती रहती हैं चीज़ें इस्बात में भी तो नफ़ी में भी और हमें यह ख्याल होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो नफ़ी है वो शिकस्त होगी ऐसा नहीं है नहीं हो रहा इस तरह ये इतना पैरल नफी और चल रहे हैं मुझे एक कोट चार्ल्स डिकिन्स का बहुत पसंद है और उसका जो उनकी जो किताब है चार्ल्स द टेल ऑफ टू सिटीज़ उसमें वो कहते हैं अब जब मैं ये कोर्ट पढ़ रही हूँ तो आप पाकिस्तान की सूरत हाल को जहन में रख के फिर सम, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा वो कहते हैं इट वॉज द बेस्ट टाइम्स इट वॉज द वर्स्ट टाइम्स इट वॉज द एज ऑफ विजडम इट वॉज द एज ऑफ फूलिशनेस इट वॉज द पख ऑफ बिलीफ इट वॉज द पाख ऑफ इंक्रीडिलिटी इट वॉज द सीज़न ऑफ लाइट इट वॉज द सीज़न ऑफ डार्कनेस इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ होप इट वॉज द विंटर ऑफ़ डिस्पेयर

भिटाई के चंद जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैं पेश करूंगी वो अपने किरदारों को किस तरह पेश करते हैं भिटाई में आइडियलिज्म है शायरी होती ही आइडियलिस्ट है और उसमें जेब दास्तान है और बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन भिटाई की शायरी में जो आइडियलिज्म है उसको समझने के लिए आ, आज जो मैं मिसालें आपको दूंगी जो मिसाल आपको दूंगी उसमें सबसे पहले ये है कि भिटाई में बहुत ज़्यादा फैंटसी है एक अजीब से रैल में वो आपको लेके जाते हैं वो ऐसी फैंटसी है जो आपको ट्रांसफार्म करती है भिटाई को अगर समझ लें और उसका उसके फलसफे पे अगर हम चलें वो फुटप्रिंट्स जो उनके कैरेक्टर्स Uh, करते हैं हमारे लिए हमें पेश करते हैं उन पर अगर हम चलें तो भिटाई की जो पोइट्री है वो आइडियलिस्ट है वो ट्रांसफार्म करती है वो ट्रांसफार्म करके हायर स्टे, स्टेटा में लेके जाती है सिम्बॉलिज्म है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है मैं पहली मिसाल देती हूँ जो भिटाई के कैरेक्टर हैं द बिलीव इन द इनखैल्क्युलेबिलिटी ऑफ विजडम भिठाई कहते हैं सेवा कर सम्रजी जित जर वह तो जाल सै वहन सीरम माणक मोती लाल जय मासुड़े इमाल तपुजारापुर थे वो कहते हैं कि गहरे जो समंदर में जिसका बहुत ही गहरा बहाव है उससे खुद को मंसूब कर लो उसके अकीदतमंद बन जाओ वो इसलिए कि उस गहरे बहाव में बहुत बीश कीमत जो जवाहर हैं वो हैं उनमें से एक जरा भी मिल जाए तो बेपनाह अमीरी हो तो ये सिम्बॉलिज़म है अब ये डायरेक्ट लिटरल मीनिंग में आप हो सकता है भिटाई जो गवासों को कह रहे हों पानी के में लोग जाते हैं जो स्कूबा डाइविंग करके उनको कह रहे हों या इसकी आप सिंबॉलिक मीनिंग लें कि गहरे पानियों में जाना चाहिए आप किसी भी शोबे से वाबस्ता आएँ फिर कहते हैं वयाज अमी करे मोह काओ डेई काओ हम शीशे को कहते हैं आपको स्कूबा डाइवर्स का पता होगा शीशा पहन के जो पानी में जाते हैं बिटाई कहते हैं वया जे अमी करे मोह मुह काउ तिन सिप्पू सूजे कड्यूँ पातारा पसंद आ सही अमुलखड़ीन सी वो कहते हैं कि वो एक तो अब वो हीरोज़ हैं बेटाई कि वो तो एक तो समंदर समंदर समंदरों की गहराइयों में जाते हैं उनकी तहों में जाते हैं निचली तरीन तहों में जाने वाले ये लोग जो हैं ये आम लोग नहीं हैं ये बहुत ख़ास लोग हैं क्यों ख़ास हैं कि वो तहों में जाके हीरे और जवाहरात व वहाँ से लेके आते हैं लेकिन वो सिर्फ़ लेके नहीं आते वो वही जवाहरात लेके आते हैं जिनकी उनको पहचान होती है पसंद आ सही अम उलखड़ी के वो बेमोल जो अनमोल मोती हैं उनको पहचानते हैं वो कौन है दैट इज़ सिम्बॉलिज़म ऑफ भिटाई सेकेंड है कि भिटाई के जो कैरेक्टर्स हैं दे आर ऑलवेज ऑन द राइट और रॉन्ग पाथ या उनको एक बहुत इसका इसका जो है इसका ख़ास एहसास है कि सही रास्ते पर रहा जाए भिटाई कहते हैं ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ वो ये है कि एक तो वो बहुत मु, मुनफरद हैं वो हमेशा दुरुस्त राह पे रहते हैं उनकी बसीरत और उनकी आगाही की हद ये है कि वो कभी गलत राह पर जाते नहीं नंबर वन अवतर कहना ओलिया सतड़व्या साल हैका हेकथया हेक अहद सी आलिम बेबह आलिमा आगे कया आ गई एक तो वो सही राह पे रहते हैं उन्हें पता है कि सही और गलत राह क्या है दूसरा वो वहदानियत से मिल एक हो जाते हैं वट इज दैट और फिर वो इस तरह एक हो जाते हैं कि वह तो कसरत में फर्क नहीं रहता पर आखिरी बात कहते हैं कि वो पहले से ही आला मकाम पे होते हैं फिर भटाई के पास जो तो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है उसमें भटाई कहते हैं अजा आया सूधा सरानी प्यारे पानी तेहू कदा तिख्यू अज आया साऊ की सुजान लाहीदा मुरयाण रुक करींदा भदरू आज वो महबूब आए हैं अब तलवार का जिक्र है सान पे या सिरान पे जिस पे तैगें तीखी करते हैं उसका ज़िक्र है लेकिन बात एक है और बात कुछ और भी है आज महबूब हैं जो कि बहुत अज़ीम हैं माहिर हैं तजुर्बेकार हैं आज वो अपनी तैगें तीखी करेंगे सान पे तैगों को इतना तीखा करेंगे कि वो उनका जंग उतर जाएगा और फिर कहते हैं कि ये वो हैं एक और बात है उसमें कहते हैं उनको अक्वेंटेंस है उनको जान पहचान है शान के साथ उस सरान के साथ जहाँ पे आप तैगें तीखी करते हैं और जहाँ पे जंग उड़ता है वह पहचान भी बहुत अहम है तो ये इंसान के अंदर की बात कर रहे हैं या तैगों की बात कर रहे हैं मैं हमेशा ये कहती हूँ ये तो लीडरशिप की एक मिसाल है मैं हमेशा ये कहती हूँ कि तैग चलानी सबको आनी चाहिए और तलवार चलानी आनी चाहिए और बैटलफील्ड पे लड़ना आना चाहिए आप सिर्फ तब लड़ें जब उसकी ज़रूरत हो तब लड़ें जब उसकी ज़रूरत हो आपको जंग करनी आनी चाहिए कि लोग कोई इस तरह नहीं समझे कि आप जवाब नहीं दे सकते लेकिन आप तब इस्तेमाल करें जब उसकी ज़रूरत हो और जहाँ उसकी ज़रूरत हो तो ये मुझे लगता है कि जो वज़ादारी है कि मुझे लड़ना आ रहा है लेकिन मैं लड़ूँ ना और ये जो वज़ादारी है और ये जो इल्म है मैं नसल दर नसल मुंतकिल करूँ कि हमारे पास वो एक जुर्रत भी हो और एक वजादारी भी हो अब मैं सस्वी को आ, के लिए कहूँगी भिटाई कहते हैं मंजरकशी है सस्वी सफ़र पे है भिटाई की बहुत ज़बरदस्त मंजरकशी है जो सिंधी समझते हैं ट्रांसलेशन में कभी कभी मुझे लगता है कि वो जौहर जो शेर का है वो आ, समा नहीं पाता पिट, ससी कहती है ऊँचो ऊताहूँ घड़ूँ जियण के तू जबल मरण मुसी हल पुठी तो पन वो कहती है जबल बहुत दुश्वार है बहुत पेचीदा है तुझ पे चढ़ना पहले जबल को एड्रेस करती है वो पहाड़ों से बात करती है आसमान से बात करती है हवा से बात करती है सूरज से बात करती है पुनू से तो डेफिनेटली करती है उन ऊँटों से भी करती है जो उसको जिसपे पुनू को उठा के लेके गए वो कहती है कि वो अकेली है पहाड़ से कहती है तुम्हें सर करना दुश्वार है पेचीदा है फिर मौत से बात करती है पहाड़ से कहती है कि तुम्हें सर तुम्हें पार करना मुश्किल है लेकिन ज़िंदगी को मुश्किल है ना फिर मौत से कहती है कि मौत तुम मेरे आगे चलो और मैं चलती हूँ सो so, जहाँ दुश्वारी है वो बेपनाह जो है हिम्मत का मुजाहरा करते हुए और उन पहाड़ों पे चढ़ती है उस हालत में जब वो चल नहीं सकती और भिटाई भी उससे कहते हैं एक हमारा बहुत दिलचस्प भिटाई का एक बैत है जिसकी ट्रांसलेशन मुझे खुद पढ़ते हुए महसूस होती है कि सस्वी की आप हालत देखें और भिटाई का तकाज़ा देखें भिटाई उनसे कह रहे हैं कि जब सफ़र बहुत तवील और कठिन हो चुका ससुरी थक चुकी है गिर पड़ी है चलना तो कुजा वो कदम नहीं उठा सकती उस वक्त भिटाई उसे कहते हैं कि उठो जब वो आंखें खोल नहीं सकती मैं कहती हूँ भिटाई साई अब क्या कह रहे हैं ससुरी से जब वो उठ के इतनी थक चुकी है बेहाल है पारा पारा उसकी रूह वजूद उसे कहते हैं कि उठो ना सिर्फ़ उठो तेज़ कदम उठाओ ना सिर्फ तेज़ कदम उठाओ पर वो उन पहाड़ों पे चलो और वो जो तेज़ कदम है वो जो हिम्मत है वो जो जुरत है उस थकान के बावजूद वो तुम्हारा सारा सफ़र एक कदम में ख़त्म कर देगी मुझे लगता है कि शिकस्तगी को हमारे शायरों ने बहुत गाया है जैसे इकबाल कहते हैं खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आश ना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस नहीं या और इकबाल कहते हैं कि तू इसे दिल के लिए मैं समझती हूँ कहते हैं मेरी शराह है तू इसे बचा बचा के ना रख कि तेरा आईना है वो आईना तू इसे बचा बचा के ना रख कि तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अज़ीज़ तर है निगाह है आईना साज में कि शिकस्तगी की एक अपनी अहमियत है आखिरी मैं जो भिटाई का कॉन्सेप्ट पेश करके फिर उसको पाकिस्तान के आज के कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ जोड़ूंगी मैं अपनी तकरीर को जो मैंने कहा आखिरी भिटाई कहते हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ द टॉक्सिक टॉक्सिटी से जान कैसे छुड़ाई जाए बिटाई कहते हैं वेठे जिन्हें वट दुखंदो डाढो थे सा मजलिस मट जे हासिल हो हजार वेठे जिन्होंने वट दुख दूर थे तन तिरन सी कट ओडा आडे पखड़ा वो कहते हैं कि वो मजलिस बदल दो जो दर्द को दोहरा कहते हैं द हु काज यू मेंटल स्ट्रेस डू अवे विद और वो जिनके पास जिनके पास बैठ के जिनकी महफिल में आपकी सफरिंग एलिविएट होती है उनके पास आप एक कॉटेज बना के बैठ जाएं। रूमी भी कहते हैं यक जमान सोहबत ब ओलिया बस तो बे एक छोटा सा ज़माना, एक सूफ़ी की सोहबत का और एक तात और बेरिया इंसान की जो है तात में आप पूरी सदियाँ गुजार दें अब मैं कनेक्ट करती हूँ कि सूफ़ियों का इतना ज़बरदस्त हमारे पास मैसेज है और सूफ़ी जो हैं दीन के रस्ते पे चलते हैं जब तो बहुत मुनफरद हो के चलते हैं मौलवी जो है वो बहुत मुख्तलिफ है उसकी रविश और सूफ़ी की अलग मौलवी मैं जनरल ऐसे आम पाकिस्तान के सेंस में इस्तेमाल कर रही हूँ मौलवी ख़ुद सनद है और मैं उसकी बहुत एहतराम करती हूँ जनरली जो इडिकशन्स देते हैं मैं ये समझती हूँ कि जो सूफ़ी होते हैं किसी भी दौर के वो इंसानी रवादारी की बात करते हैं आलमी जो भाईचारा है वो उनका मंशूर होता है मजहब से वो आशिकी सीखते हैं नबी या अम्बिया उनके महबूब होते हैं खुदा उनका दोस्त होता है तो जब मैं ये सूफ़ी के इश्क का मुशाह कर रही होती हूँ मैं सोचती हूँ कि समाना क्यों नहीं सीख सका सिंध पंजाब हम तो सूफ़ियों की धरती हैं मुझे लगा कि उसके पीछे एक सबब है और उसके पीछे सबब यह है कि सबब नार्सिसिज्म हमें ये बताया गया है बताया जाता है कि वी आर द बेस्ट पूरी दुनिया में मुसलमान तेईस साढ़े तेईस परसेंट से ज़्यादा नहीं है लेकिन कहते हैं कि रूह ज़मीन ख़ुदा ने मुसलमान के लिए बनाई है तो बाकी पिछहत्तर फ़ीसद वो उसकी आबादी नहीं है खुदा की तो मुझे ये लगता है कि मेरी लैंग्वेज मेरी ज़बान मेरा मज़हब मेरा सेक्ट आला है ये हेट स्पीच है जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा फर्स्ट आना है अव्वल आना है सबसे ऊपर आना है और हम सबसे आला हैं हम नफ़रत अंगेज़ स्टेटमेंट सिखा रहे हैं इसका मतलब है कि जो दूसरे हैं वो कमतर हैं तो इस जैसी कोई हेट स्पीच नहीं है मुझे लग रहा है कि सारी जो जड़ है इस हेट स्पीच की वजह से है और हमने देखा इंसिडेंट जो पंजाब में एक रेप केस हुआ एक बच्ची का और फिर मैंने मौलवियों को सुना कि मतलब उसके रीजंस क्या थे क्यों लड़कियां रेप होती हैं उस वक्त मैं सोच रही थी कि मिस प्राइम मिनिस्टर से मिस चीफ मिनिस्टर से मैं बात करूं कि ये क्या हो रहा है हम उनसे बात करें या सिंध में जब रवादारी मार्च हुआ हमने देखा कि हमारी दौर की दानिश को रस्तों पे घसीटा गया बच्चियां हमारी घसीटी गईं तो वो क्या था तो उस वक्त मैं सोच सोच रही थी कि वी शुड टॉक टू मिस्टर प्रेजिडेंट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंसेस कि किस किस्म की जो है हम सोच को स्टेज फराहम करते हैं जो कि स्टेज पे आके एडिक्शंस देते हैं और फिर समाज में पता नहीं क्या क्या होता है तो मुझे ये लगता है कि ये जो आके हमें दर्श देते हैं उनकी सनदें चेक करनी चाहिए रियासत का काम है हमारा काम नहीं है मुझे लगता है भिटाई के दौर में भी ऐसे लोग थे एक मुझे भिटाई का बैत याद आ रहा है भिटाई ने किस लिए, किस लिए कहा आणीन मेड़ो मोल में खबरों सात सुदन जिदबा वेद करे इधर उधर से मोलमीन ट्रांसलेशन सुने आप क्या कमाल है इधर उधर से इधर उधर से ये मोलमीन आ जाते हैं किनारों की खबरें लेके आ जाते हैं वो मझदार की बातें नहीं करते जहाँ पे तेज बहाव है या फिर कहते हैं माहिरथी नमवा महरूमई मरीव्या चिड़िया जियाँ चूझ जड़ी, लडियाऊँ लुआ होबा भई हुआ है वादी विच में भिटाई ने भी कहा ने लोगों मुझे लगता है कि वो दौर भी महदवी तहरीक का दौर था वो भी बहुत संगीन दौर होगा भिटाई ने भी बहुत भुगता होगा और भिटाई को भी समझ में नहीं आता होगा कि कैसे डील किया जाए कि भिटाई कहते हैं कि वो जो मर गए माहिर हो के नहीं मरे और महरूम हो के मरे और इस पानी दुनिया में से उन्होंने एक चिड़िया की तरह कुछ दाने लिए और ख़त्म हो गए पानी के बुलबुले की तरह ख़ुदा के साथ जो आ, शायरों की हजरत है उसमें मैं आखिर में इकबाल पढ़ूँगी एक और पंजाबी एक बहुत खूबसूरत है कि हज भी थी जानते हो लहू भी पीती जानते हो खाके माल मसीता दा पच मसीती जानते हो फट दिले सींदे नहीं टोपियाँ सींदी जानते हो छुरी ना फेरी नफ्साँ दुमबे कीती जानते हो इकबाल इकबाल की हुजरत देखें और यह में से कुछ लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा ये इकबाल का मकालमा है खुदा पहले खुद बंदे से बात करता है और फिर बंदा खुदा को जवाब देता है बंदे की अकड़ देखें और खुदा का गुस्सा देखें आप खुदा इंसान से कहता है जोहराजय ओब गिल्रीडम तो ईरान और तातार और जंग ऑफरीदी मैंने इस दुनिया को पानी और मट्टी से बनाया तुमने ईरान तातार और हबश बना दिया खुदा कह रहा है इंसान को मानस खाक दे नौब आफरीदम तो शमशीर तीर तिर तुफंग आफरीदी मैंने खाक से खालस फ़ौलाद पैदा किया और तुमने शमशीरें तीरें तोप तलवारें बना दी थबर ऑफरीदी नहौल चमन रो खफ सौख थी तो नाग में जन रो तुमने इस चमन को हसीन चमन को काटने के लिए कलाड़ियाँ बना दी और नगमा गाते परिंदों के लिए कफस बना दिया अब इंसान जवाब देता है इंसान के इंसान के अकड़ देखें मैं कहती हूं कि शायर हजत करते हैं भाई खुदा से इंसान कहता है तो शब आफरीदी चिराग आफरीदम तुमने रात बनाई मैंने चिराग बनाया खुदा बंदे से कहता है तो शब आफरीदी चिराग आफ्रीदम सिफोल आफरीदी अयाग आफ्रीदम तूने रात बनाई मैंने चिराग बनाया तुमने मट्टी बनाई मैंने प्याला बनाया बयाबान और और बयाबानसाराग आफरीदी खयाबान और बाग आफ्रीदम तुमने बयाबान सहरा पहाड़ बनाए मैंने ख़याबान उसमें से गुलजार करके उनको मैंने बाग बना दिए फिर कहता है मनोनम के अज संग आयन साजम मैं वो हूँ कि पत्थर से आईना बना लूँ मनोनम के अज जहर नोशी ने सज़म शायर इस तरह की बातें करते हैं और मुझे ये लगता है कि हमारा ये दौर जो है उसमें शायद हमें हम समझते हैं कि जो स्टेज पे खड़े आके होके हमें दर्श देते हैं वो हमारे तबीब हैं वो गैर तबीब हैं बिटाई कहते हैं कि कुट्ठेस कोयन तन तबीबन गडया डेई डम्भ ददन पाणा डील डुखोयो मैं समझ रही थी कि ये तबीब हैं लेकिन ये तबीब नहीं थे तो इसलिए जो दर्द का जो दरमान होना था जो महर होनी थी वो नहीं हुआ और ज़्यादा जख्म मेरे बढ़ गए बहुत शुक्रिया